हेलो गाइस, रेडमी नोट 9 के लिए एंड्रॉयड 11 का स्टेबल अपडेट ग्लोबली रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करे थे। तो यार, एंड्रॉयड 11 के बारे में सारी डिटेल्स निकल के आ चुकी है रेडमी नोट 9 के लिए। तो यार, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि यार एंड्रॉयड 11 के साथ आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है और आपको आपके डिवाइस में एंड्रॉयड 11 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो यार, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और यार, वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक ज़रूर से कर देना, आपका एक लाइक हमें यार बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और यार, अपडेट की न्यूज़ सबसे पहले जानने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे कोई भी अपडेट आए आपको सबसे पहले पता लग जाए। तो चलिए यार, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है, आपके जो भी फीचर्स गए थे 12.0.7.0 में या फिर 12.0.8.0 में, जैसे कि यार फ्लोटिंग विंडो वाला फीचर और कंट्रोल सेंटर वाला फीचर, वो यार एंड्रॉयड 11 के पास हमें वापस देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यार, जिसने अपडेट कर लिया है ग्लोबल में, उससे यार मैंने स्क्रीनशॉट मांगे थे, तो देख सकते हो फ्लोटिंग विंडो भी वापस आ चुका है और साथ में कंट्रोल सेंटर और जितने भी फीचर्स हमारे गए थे वो वापस आ चुका है। और उन्होंने मुझे कमेंट करके बोला भी था कि यार, ये बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है एंड्रॉयड 11 के बाद, तो काफ़ी अच्छी बात है अगर इंडिया आने के बाद भी ऐसे फास्ट चल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और गाइस, देख सकते हो जो चेंज लॉग है वो 12.0.1.0 है और यहाँ पे जो मेंशन है वो है RJOMIXM। RJ का मतलब गाइस, JO का मतलब होता है कि यार ये Redmi Note 9 है, R का मतलब है इसमें Android 11 है, जैसे कि आप देख सकते हो R का मतलब Android 11, और MIXM का मतलब होता है कि यार ये ग्लोबल अपडेट है। देख सकते हो इस पे लिखा हुआ है Android सिक्योरिटी पैच 2 मई। मई का सिक्योरिटी पैच तो हमारे पास पहले से ही है, Xiaomi क्लाउड में सेम चीज लिखी हुई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है GPS टॉगल रीनेम एज लोकेशन, मतलब इन्होंने GPS को लोकेशन के नाम से चेंज कर दिया है। तो गाइस, चेंज लॉग में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है, पर देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने मुझे वीडियो भी सेंड किया था, आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो वीडियो में आप चेक कर सकते हो, सेटिंग में जा रहा है ये, और उसके बाद अबाउट फोन में आप देख सकते हो 12.0.1.0 और यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन एंड्रॉइड 11 लिखा हुआ है। और देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने चेकिंग पे क्लिक किया है और नो अपडेट्स अवेलेबल। तो गाइस, देख सकते हो ऑफिशियल वीडियो है, जिसके पास भी ग्लोबल अपडेट है, पायलट टेस्टर के लिए ग्लोबल में आ चुका है अपडेट, और उसके बाद काफ़ी जल्दी ग्लोबल में आएगा, उसके बाद इंडिया में भी हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपने देखा, एंड्रॉयड 11 का अपडेट इसमें आ चुका है। और बाकी यार, जो भी फीचर्स है इसमें, जैसे कि जो फीचर्स हमारे गायब हुए थे, फ्लोटिंग विंडो, स्प्लिट स्क्रीन, वो सारे के सारे फीचर्स हमें वापस देखने को मिल चुके हैं और ये स्टेबल अपडेट है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो गाइस, ये काफ़ी अच्छी बात है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि यार आपको आपके डिवाइस में कब तक ये अपडेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यार ये अपडेट तो काफ़ी अच्छा पर अभी तक किसी को मिला नहीं है। तो आपको गाइस, अभी ये सबसे पहले ग्लोबल में आएगा सारे स्टेबल यूजर्स के लिए, एक हफ्ता भी उसमें लग जाएगा। उसके बाद गाइस, आप एक डेढ़ महीने के बाद एक्सेप्ट कर सकते हो कि यार इंडिया में आएगा। इंडिया में भी पहले पायलट टेस्टर के पास आएगा, जिन्होंने भी पायलट टेस्टर के लिए अप्लाई किया था उनके पास सबसे पहले आएगा, उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको स्टेबल में भी देखने को मिल जाएगा। और आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन मिली जाती है जैसे कोई भी अपडेट आता है। तो आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जुलाई के मिड में, जैसे कि 15 जुलाई के आसपास आपको एक न्यू अपडेट मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है 12.5 और एंड्रॉइड 11 दोनों एक साथ आ जाए, तो इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं होगी अगर 12.5 भी आ जाए एंड्रॉइड 11 के साथ। और इसमें फीचर्स भी देखते हैं यार, जो भी फीचर्स होगा आपको तो मैं वीडियो में बता ही देता हूं, और जैसे ही अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले पता लग जाएगा। तो यार, सब्सक्राइब जरूर से करके रखना। तो यार, आज की इन्फॉर्मेशन यही तक ही थी, आशा करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए।